ग्वालियर के वार्ड क्रमांक 43 से भाजपा प्रत्याशी संजय सिंगल ने चुनाव कार्यालय से एक विशाल रैली निकाली, जो कि दौलतगंज पारस से होती हुई वापस कार्यालय पर समाप्त हुई। रैली के दौरान भाजपा प्रत्याशी संजय सिंगल को भी सभी क्षेत्रों से अपार जनसमर्थन मिला। वार्डवासियों ने विश्वास दिलाया कि भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे और संजय सिंगल को विजय बनाएंगे। इससे ऐसा लगता है कि वार्ड 45 में भाजपा की स्थिति काफी मजबूत है। प्रत्याशी बैठे से पूछूंगा कहाँ का भ्रमण किया, जनता ने इनको क्या समर्थन दिया है। आज इसमें लगभग 150 महिलाओं की उपस्थिति थी और लगभग 200-250 पुरुष थे। आज का जनसंपर्क ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत बड़ा चुनाव हो रहा हो। सभी की ऐसी इच्छा थी, ऐसा उत्साह था कि जो भाई संजय जी मैं खड़ा हुआ हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीते हैं। इसके साथ ही साथ आज बाजार बंद होने के बाद भी हम जो मोहल्लों में गए, माता बहनों ने छज्जों से नीचे उतरकर अपार समर्थन दिया। इस बार लग तो रहा है कि काफी सारे उम्मीदवार हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है कि अब किसको वोट दिया जाए। बट हाँ, कमल के प्रति काफी लोग वफादार होते हैं। अब जो जो नए प्रत्याशी आए हैं उनके बारे में जानते नहीं है। अब ये संजीव सिंगल खड़े हुए है और एक पहले से हमारे वार्ड में कार्य कर रहे थे वो भी है। अब देखते हैं कि क्या दूसरों की सबकी राय एक साथ तो कॉन्फिडेंशियल होता है किसको वोट देना है।